सरकार के इशारे पर जो किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और अत्यंत निंदनीय है। मुंबई में पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया और इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस मशाल जुलूस में शामिल हुए। अर्णब गोस्वामी को लेकर उन्होंने कहा है कि अर्णब गोस्वामी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पालघर में साधुओं की हत्या का मामला और अभिनेता सुशांत सिंह की कथित आत्महत्या के मामले में को उठाया था, तो जनमानस ने देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार हत्या करने का प्रयास हो रहा है। सरकार सब मौन होकर देख रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के घर जाकर उनके परिवार के साथ बदतमीजी की। पत्रकारिता के चौथे स्तंभ पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर संरक्षण के लिए भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में देश में मीडिया के लिए साथ खड़े होकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया। पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर जो हमला बोला है, अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी, उनके घर में घुसकर उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई और उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाया गया, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इसके खिलाफत करते हुए आज मशाल जुलूस के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, देश में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है, इसलिए फिर से आप चौथे तंत्र, चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता पर हमला हुआ है, अन्याय हो रहा है उसके ऊपर, इसी प्रकार से ये भी इतिहास लिखा जाएगा और देश में बड़ा परिवर्तन होगा।